नमस्कार, मैं मीना शर्मा, सलाहकार सिंधी भाषा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS मां तांजो स्वागत कयां थी। अज असा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम सिंधी भाषा जो सबक टियों खयो आहे, सामुंडी सिपू बेवस। नंढपुण में तवां तमाम घणियूं कविताऊं ऐं बैत याद कया हूंदा। केतरियूं ई कविताऊं ऐं बैत तव्हां पढ़िया बि हूंदा। इन्हनि कविताउनि खे पढ़ंदे शायदि तव्हांजे मन में हिकु सुवाल पैदा थींदो त कविता छा आहे, उहे कहिड़ा तत्व आहिनि जेके कविता खे नसुर खां अलॻि था कनि। इन्हनि जो जवाबु ॻोल्हींदे तव्हां महसूसु कयो हूंदो त कविता में भाव ऐं नसुर में वीचारनि जी गहराई हूंदी आहे। इहा त तव्हांखे ख़बर ई हूंदो कि कविता असां लिखंदा आहियूं, असांजा हुन में भाव ज़ाहिरु थींदा आहिनि, असांजी फीलिंग्स जेकी आहिनि उहा असांजी कविता में ईंदी आहे। ऐं जेको नसुर हूंदो आहे, कहाणी गद, हुन में वीचारनि जो असांजा वीचार आहिनि उन्हनि जी गहराई समायल हूंदी आहे। इंसान पंहिंजे हर आज़मूदे खे कंहिं न कंहिं नमूने ज़ाहिरु करण जी कोशिश कंदो आहे। असां जेको बि सोचींदा आहियूं असां हुनखे या त कविता में पंहिंजे भाव ज़रिए ज़ाहिरु कंदा आहियूं या पंहिंजी कहाणी में ज़ाहिरु कंदा आहियूं। केतिरा दफ़ा इंसान कंहिं आज़मूदे खे चई करे या ॻाल्हाए करे ज़ाहिरु नथो करे सघे, उनखे हू ॻाए करे इशारनि या अदाकारीअ सां भावनाउनि खे ज़ाहिरु करे सघे थो। कई ॻाल्हियूं ईअं बि थींदियूं आहिनि कि इंसान रुगो ॻाल्हाए करे पंहिंजी ॻाल्हि खे ज़ाहिरु करे नथो सघे, उहा ॻाए थो या इशारनि सां या पंहिंजी कंहिं बि अदाकारी सां लिखण सां उनखे ज़ाहिरु करे थो। कविता या बैत में जेके भाव ज़ाहिरु थींदा आहिनि उहे पढ़ंदड़नि जी दिलि खे छुहंदा आहिनि। असां जेको बि पंहिंजी कविता में बैत में पंहिंजा भाव ज़ाहिरु था करियूं, उहा उन कविता खे जेको बि पढ़े थो उहा उनखे उनजे दिलि खे छुई थी वञे। छाकाणि त हिन में भावना जी गहराई हूंदी आहे ऐं पेशकश में नज़ाकत हूंदी आहे। जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो कि कविता में भाव समायल हूंदा आहिनि, त हुननि भाव खे जेको बि पढ़े थो त उहा उनजे दिलि खे छुई था वञनि, छाकाणि त कविता में भाव समायल आहिनि। ॾहें दर्जे में तव्हां कवि बेवस खे पढ़ियो आहे। हिन सबक में असां बेवस जे चूंड सामुंडी सिपुनि खे पढ़ी समुझण जी कोशिश कंदासीं। हाणे हिन खे पढ़ण जो असांजो छा मक़सदु आहे? हिन सबक खे पढ़ण खां पोइ तव्हीं कविता खे समुझी पेश कंदा, कविता जी अहमियत खे समुझी वर्णन कंदा, कविता छो ऐं कीअं पढ़जे ॿुधाईंदा, कविता जे भाव खे समुझी ऐं पेश करे सघंदा, कविता में समायल फेलसुफाणनि ख़्यालनि खे समुझंदा ऐं उन्हनि जो वर्णन करे सघंदा। हाणे अॻिते वधूं था बुनियादी सबक जी ओर। बेवस जा ही शेर सामुंडी सिपू मां खयल आहिनि। बेवस सलीस ज़बान में समुझाईंदे पंहिंजा भाव ज़ाहिरु कया आहिनि। पहिरियों बैत आहे, सख़्तु विलह बरसाति में कंहिं राति सवड़ियुनि मां उथी, ॾिस त ॿाहिरि ॿिए अजनि लाइ वैल छा थो वहे। हाणे हिननि सिटुनि में सख़्त जी माना आहे तमामु घणी, विला यानी थधि, सवड़न यानी तव्हांखे सभिनि खे ख़बर आहे रजायुनि, बेअजन जंहिंजे वटि घर कोन्हनि, बेघर आहिनि उहा, वैल यानी
मुसीबत, वहे यानी थे। बेवस गरीबन जो हिमायती हो, हिन शहर मार्फत बेवस इहो समझाए थो त सियारे जी मुंद में बरसात भी पवंदी हुजे, इंसान पंहिंजे घरन में सवड़ियुन में सुम्यल हूंदो आहे। उन्हनि खे चिताईंदे चवे थो त अहिड़ी थद में ॿाहिरि सवड़ियुनि मां उथी निकिरी ॾिस त उन्हनि बेसहारा बे अजे इंसान लाइ कहिड़ो न वैल थिए। हिते कवि सियारे जी मुंद में ग़रीबनि जी हालति जो चिट छिटियो आहे। ॿियो बैत आहे, अॼु ग़रीबनि जूं कखायूं झूपड़ियूं मालिक घुमे, अॼु ग़रीबनि जूं कखायूं झूपड़ियूं मालिक घुमे, थो मंदिर मस्जिद मंडीअ देवल टिकाणे खाट आहे। थो मंदिर मस्जिद मंडीअ देवल टिकाणे खाट आहे। मालिक तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, ईश्वर, मंडी यानी मुसलमाननि जो धार्मिक स्थान, देवल यानी ईसाइनि जो धार्मिक स्थान, टिकाणो हिंदुनि जो धार्मिक स्थान, टहे यानी परे रहे। कवि ग़रीबनि जी झूपड़ियुनि में ईश्वर जो वास मञे थो। बेवस हिन शहर में ॿुधाए थो त परमात्मा ग़रीबनि जूं कखनि पननि सां अडियल झूपड़ियुनि में वास कंदो आहे। मंदिर मस्जिद मंडीअ देवल ऐं टिकाणनि खां परे रहंदो आहे। तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे कि बेवस साईं ग़रीबनि जा हिमायती हुआ, त उहा चवंदा हुआ कि जेको परमात्मा आहे उहा ग़रीबनि जी झूपड़ियुनि में वास थो करे। असांखे हिते हुते मंदिर मस्जिद असां ॻोल्हूं था परमात्मा खे, पर परमात्मा हुते न आहे। हिन शहर में बेवस इहो ॼाणायो आहे त परमात्मा जो वास ग़रीबनि जे जॻहियुनि में ई थींदो आहे। परमात्मा शाहूकारनि जे बंगलनि या मंदरनि मस्जिदनि देवल ऐं टिकाणनि खां परे रहंदो आहे। बेवस इहो बि समुझायो आहे त ग़रीब जेके बेसहारा बे अजे हूंदा आहिनि, जंहिं वटि पंहिंजो घर कोन्हे, उहे कीअं राति जो विलह थद में ॿाहिरि सुम्हनि था, पर उन्हनि जो वार बिंगो बि नथो थिए। हाणे ॾिसो, परमात्मा उन्हनि सां गॾु आहे, तंहिं करे उन्हनि जो वार विंगो बि नथो थिए, उन्हनि जो कुझु बि नथो थिए। उहे ततीअ थदीअ में गुज़र करे बि परमात्मा जो शुक्र अदा कनि था। त एतिरी थधि हूंदी आहिनि कि माण्हू रजाइनि में सुम्हियो पियो आहे अंदरि, पर उन उहा ग़रीब उन्हनि वटि त घर बि कोन्हे, उहा तती थदी में ॿाहिरि गुज़रान कनि था ऐं पोइ बि परमात्मा जो शुक्र कनि था। कॾहिं बि कंहिंसां का शिकायत या ॾांह नथा कनि, हर हाल में ख़ुशि रहनि था, राज़ी रहनि था। हिते हिकु पासे ग़रीबनि खे अहमियत ॾिनी वई आहे ऐं उन्हनि लाइ हमदर्दीअ जी ॻाल्हि चई वई आहे। टियों आहे, दातार जनम ॾियण ते नैन खीर जी वहाई। दातार जनम ॾियण ते नैन खीर जी वहाई, संसार में सफ़र खां पहिरीं समर अचे थो। संसार में सफ़र खां पहिरीं समर अचे थो। दातार यानी परमात्मा, नैन तयारु करणु, वहाई वहाइण, सफ़र यात्रा, समर यानी कि समान। हिते कवि इहो ॿुधाइण जी कोशिश कई आहे त जनम खां अॻु ऐं हयातीअ में ईश्वर असांजे गुज़रान जो मुकमल बंदोबस्तु कयो आहे। बेवस समुझायो आहे त जीअं नंढो ॿार हूंदो आहे, उहो जनम वठण खां अॻु ई उनजे लाइ परमात्मा खाधे जो बंदोबस्तु करे छॾींदो आहे, तयारु कंदो आहे। यानी ॿार माता जे गर्भ में हूंदो आहे त उन लाइ ॼमण खां अॻु ई खाधो तयारु थी वेंदो आहे। हिन संसार में इंसान जो सफ़र यानी यात्रा
शुरू थे थी उनका अग्नि संसार में समान तैयार थी वने तो। चौथो बेहतर आहे जात वहदत में अची, जात वहदत में अची जो इश्क थियो इज़हार जो, हुस्न हिरकारन लाए पहरियों पाण चोलो नार जो। वहदत यानी हेकड़ाई, इज़हार ॾेखारण, हिरखाइण यानी मोहिण, चोलो यानी पोशाक, इश्क यानी प्यार, हुस्न यानी सूंह, पहरियों यानी पातो, नार यानी स्त्री। कवि इन शायरीअ में इश्क जे जज़्बे खे उच दर्जो अदा कयो आहे। हिन शहर में बेवस जी फ़ैलसुफ़ी समायल आहे। बेवस चवे थो त वहदत यानि हेकड़ाई के प्यार जो इज़हार करण लाइ शौक़ु थियो। उन हक इश्क खे इज़राइण लाइ पाण स्त्रीअ जी पोशाक पाए इश्क जो इज़हार कयो। हिते सूफ़ी मत खे क़ाइमु कयो वियो आहे जंहिं में आत्मा ऐं परमात्मा जे विच में प्रेम जो संबंध सभ खां ऊचो मञियो वियो आहे। प्रेम ज़रिए ई आत्मा ई परमात्मा ताईं पहुचे थी। हिननि शहरनि में बेवस जी फ़ैलसुफ़ी समायल आहे। बेवस वहदत इश्क जो ज़िक्र बखूबी कयो आहे। बेवस जा ही शेर संदस रचना सामुंडी सिपुन मां खयल आहिनि। हिननि सामुंडी सिपुन मार्फत बेवस जे शहर में रवानी आहे। बेवस जे शहर में गूढ़ी फ़ैलसुफ़ी आहे ऐं संदस शेर सलीस ज़बान में बयान कयल आहिनि। हाणे कुझु सबक तव्हां पढ़ियो उन बाबति कुझु सुवाल आहिनि। ॿार जे जनम खां अॻु तयारु थिए थो, छा तयारु थिए थो? असां पढ़ी आयासीं खिचड़ी, फुल्को, खीर या भाॼी। संसार में सफ़र खां पहिरीं अचे थो समर, पैसो, दुख या सुख। शायर वहदत जो मतिलबु ॿुधायो। घणाई, हिकड़ाई, भीड़ या अकेलाई। हाणे पंजो बैत आहे लीक जिन टुपकन बणाई से त बेमिकदार हा, डेंग आई लीक के छाखा भला समझी चओ। त बेवस साईं हर विषय ते लिखियो आहे, त उन्हनि गणित ते बि लिखियो आहे जीअं लीक, टुपका, डेग। त इहा त हुननि जी ख़ूबी हुई कि उहो हर विषय ते उन्हनि लिखियो हो। लीक तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे, लीक लाइन, टुपका यानी बिंदियूं, बेमिकदार यानी बेअंदाज, डेग यानी लंबाई। बेवस हिन शहर में समुझ ते ज़ोर ॾिनो आहे। बेवस चयो आहे त नंढा नंढा टुपका हिकु डिघी लीक तयारु कनि था। इहो असांखे समुझणो आहे त लीक मां डेग छा मां आई। मतिलबु त बेवस जी इहा फ़िलसुफ़ी आहे त समुझ पुठियां हिकु ॿी समुझ लिकल आहे। टुपके खे पंहिंजी हस्ती आहे, इंसान खे पाण में मिलाप सां हलणु घुरिजे। बेवस साईं गणित जे माध्यम से इहा समुझायो आहे। त सबक बाबति कुझु सुवाल आहिनि। लीक ठहंदी आहे कंहिंसां? जादूअ सां, रांदि सां, टुपकनि सां या पंहिंजो पाण ई? समुझ पुठियां छा लिकल आहे? अकुल, अबोझाई, होशियारी या ॿी समझ? छाऊं बैत आहे मां रहां जे तो अंदर थो तू बि थो मूं में रही। मां रहां जे तो अंदर थो तू बि थो मूं में रही। मूं बिना तुंहिंजो रहण पिण आहे जोखे में जनाब। जोखे में यानी मुसीबत में। हिन शहर में बेवस
हिक बे सा आत्मिक संबंध वारी गाल कई आहे। जीए आशिक माशूक बिना न रही सघंदो आहे, बई हिक बे में वसन था। आशिक माशूक के चवे थो त मूं बिना तुझे रहण जण मुसीबत में रहण मिसल आहे। सतो बैत आहे, रहणीअ में नाहे आमिल कहणीअ में खूब कामिल। रहणीअ में नाहे आमिल कहणीअ में खूब कामिल, अहिड़ी सिख्या जो ॿियनि ते मुश्किल असर अचे थो। रहणी यानी राहत, आमिल यानी अमल करण वारो, कहणी यानी चवणी चवणी में या ॻाल्हियुनि में, खूब यानी घणो, कामिल यानी अकाबर यानी होशियार। बेवस हिन शहर में समझायो आहे त जेको इंसान हालत में, रहत में आमिल यानी अमल न कंदो आहे, सिर्फ़ वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं करण यानी कहिड़ीअ में होशियार हुजे, त इन तरह जी सिख्या जो ॿियनि ते असर न पइजी सघंदो। यानी कंहिं बि ॻाल्हि जो जेसी ताईं पाण ते अमल न करे सघिबो, ॿिए कंहिंखे उन ॻाल्हि खे अमल करण जी सिख्या न ॾेई सघिबी। असां सिख्या त हर कोई थो ॾिए, सिख्या पहिरें पाण ते अमल कयो त ॿियनि खे ॾियो। बेवस खे नए दौर जो बानी शायर चयो वेंदो आहे। बेवस पंहिंजी शायरीअ में अलॻि अलॻि विषय खयां आहिनि। ही संदसि शेर सामुंडी सिपू मां खयल आहिनि, जेके घाघर में सागर भरण जो कमु कनि था। हाणे कुझु सुवाल आहिनि। रहणीअ में नाहे छा, कहणीअ में खूब कामिल, आमिल कामिल होशियार या कमज़ोर? तव्हां बैत पढ़ियो त इन जो जवाबु तव्हां पाण ई चूंडे लिखंदा। आशिक कंहिं बिना रही न सघंदो आहे, माउ बिना, पीउ बिना या भेण बिना या माशूक बिना। अठो आहे बैत, जोग जप तप साधना, फिकरात ऐं फाकिया कशी, राह उल्टीअ जी ख़ता जूं सौ सजाऊं थियूं सहण। जोग यानी तपस्या, साधना यानी प्रार्थना, फाकिया कशी यानी बुखू कढणु, राह यानी रस्तो, ख़ता गलती, जप तप यानी नाम जपण, फिकरात यानी चिंता, उल्टी यानी उबती। बेवस धर्म जी राह ते ढोंग करे हलण वारनि इंसाननि जी खिलाफ़त कई आहे, जेके परमात्मा जी मंज़िल ते पहुचण लाइ तपस्याऊं कनि था, जप तप कनि था, चिंताउनि में गुज़ारनि था, बुखू कढनि था। यानी इन राह ते हलण लाइ हिन क़िस्म जा तरीक़ा अपनाइनि था, उहे उल्टे रस्ते ते हलण जूं ग़लतियूं कनि था, ऐं उहे ईअं लॻंदो आहे त उल्टी राह ते हली करे पाण खे सवे सजाऊं ॾेई रहिया आहिनि। नओं बैत आहे, नओं बैत, मिलण जे ओसरे बेवस हयातीअ खे हलायां थो, रही जे आस अणपूरी निधर नातो वरी छाजो। आसरे यानी उमीद ते, आस यानी उमीद, अणपूरी यानी जेकी पूरी न थी सघी, अधूरी, निधर यानी आधार बिना, आधर बिना, असायतो यानी उमीद रखण, नातो यानी रिश्तो या गंढ। इंसान जीवन में असायतो थी रहंदो आहे, उमीदन ते जीवन गुज़ारींदो आहे। हर कंहिंखे कंहिं न कंहिं सां उमीद ही उमीद हूंदी ई आहे। चऊं था न, उमीद ते दुनिया क़ाइमु आहे। त शायर चवे थो त हयाती यानी ज़िंदगी पंहिंजे महबूब सां मिलण जे आसरे में गुज़ारे थो। जे उहा आस अणपूरी या अधूरी रहिजी वञे थी त बिना आधार वारो रिश्तो नातो छाजो थियो।
बेवस उन्हनि शख्सन जी ज़ोरदार नमूने खिलाफ़त कई आहे जेके धर्म जी राह ते ढोंग पाखंड कनि था। बेवस जीवन में आशावादी थी उम्मीदनि ते जीवन गुज़ारण जी ॻाल्हि कई आहे। कुझु सवाल ॿिया आहिनि, बेवस धर्म जी राह ते ढोंग करण वारनि जी छा कई आहे, खिलाफ़त कई आहे, जानवरनि, देवताउनि, राक्षसनि या इंसाननि? शायर मुताबिक़ इंसान कंहिं सां मिलण जे आसरे में जीवन गुज़ारे थो, माता सां, महबूब सां, पिता सां या भाउ सां? हाणे तव्हां इहो पूरो पाठ पढ़ियो, तव्हां छा सिखिया? तव्हांखे इम्तिहान में अची सघे थो सुवाल कि सामुंडी सिपू मां तव्हां छा सिखिया, तव्हांखे छा सिखिया थी मिले? त बेवस जे शहरनि में गूढ़ा भाव समायल भरियल आहिनि जेके सुर में ॻाए बि सघजनि था। बेवस जा शेर अलॻि अलॻि विषयनि ते लिखियल आहिनि जिन में ग़रीबनि जी झूपड़ियुनि में ईश्वर जो वासो, परमात्मा जी वॾाईअ जो वर्णन कयल आहे। बेवस इंसान ऐं परमात्मा जे नाते खे अलॻि अलॻि तरीक़नि सां पंहिंजे शेर मार्फत समुझायो आहे। बेवस सलीस ऐं आम भाषा जो इस्तेमालु कयो आहे पंहिंजी रचना में। हाणे कुझु बि असां लिखूं था कविता, हुन में भाव पक्ष बि हूंदो आहे ऐं कला पक्ष बि ईंदो आहे। जीअं मां तव्हांखे पहिरें बि ॿुधायो हो कि भाव पक्ष में भाव समायल हूंदा आहिनि ऐं कला पक्ष में हुनखे सींगारण लाइ जेको बि असां लफ़्ज़ विझूं था, अलंकार विझूं था, व्याकरण विझूं था, उहा असांजी ईंदी आहे कला पक्ष में। त भाव पक्ष में आहे जीअं सख़्तु थधि में ग़रीबनि जी हालति जो बयानु कयल आहे त हुननि जा भाव समायल आहिनि इन कविता में। मंडीअ एवस भॻवान झूपड़ियुनि में परमात्मा जी महिमा, रहणी करणीअ में हिकु जहिड़ाई, उल्टी राह जूं सवे सजाऊं, आडंबर देखाव जी खिलाफ़त, इहा सभु भाव आहिनि कवीअ जा। ऐं इन कविता में कला पक्ष आहे निज सिंधी लफ़्ज़, विलय, मंदिर, मस्जिद, टुपकनि, फ़िकरात, फाकियाकशी। त इन्हनि सां छा थींदो आहे, कविता जी ख़ूबसूरती वधंदी आहे। तजनीस हर्फ़ी, हम काफ़िया लफ़्ज़, सलीस आम फ़हम भाषा। त असां बेवस जी कविता त पढ़ी, हाणे कुझु बेवस जे बारे में बि असां पढ़ूं। महाकवि किशनचंद बेवस जो जनम 25 फरवरी 1885 ईस्वीअ में सिंध जे ऐतिहासिक शहर लाड़काणे में श्री तीरथदास खत्रीअ जे घर में थियो हो। बेवस सिंधी कविता में केतिरियूं इनकलाबियूं धाराऊं आंदियूं। हू 20 सदीअ जो सिंधी साहित्य में चइजे खणी त वधि में वधि अहमियत रखंदड़ हस्ती हो। बेवस सिंधीअ जो हिकु सिरमौर शाइर आहे। बेवस हिकु आदर्शी अध्यापक, सुठो हकीम, आदर्श पिता ऐं दरवेश दिल इंसान हो। संदसि विश्वास सादी रहणी ऐं उच कहणीअ में हो। हू समाज सुधारक हो ऐं देशभक्त बि हो। उन्हनि खे ॿारनि सां बि ॾाढो लॻाव हो। हू आशावादी शाइर हो। बेवस अवाम जो शाइर आहे। संदसि शहर में सिंधियुनि जे वीचारनि ऐं उमंगनि जूं लहरूं आहिनि। महात्मा गांधीअ जी आला शख़्सियत जो जेको मथस असरु थियो, हुन जा वाक़िया संदसि शायरीअ में कलमबंद कया अथई। बेवस जूं रचनाऊं पढ़ो ऐं आनंद माणो। शायर बेवस, मौजी गीत। बेवस जे चूंड सभिनी किताबनि जो हिकु ई ग्रंथ सॾु पराॾो साॻियो, जंहिंमें संदसि सभई चूंड किताब गॾु करे शाया करायो वियो आहे। पंहिंजे आज़मूदनि ऐं कल्पनाउनि खे तव्हां मतिलबु सिखण जा छा नतीजा आहिनि? पंहिंजे तव्हां आज़मूदनि ऐं कल्पनाउनि खे सृजनात्मक ढंग सां लिखी सघो था, जीअं सफ़रनामो, यादगिरियूं, डायरी वग़ैरह लिखणु। कविता खे पंहिंजी समुझ जे आधार ते नए रूप में पेश करे सघो था।
साहित्य जो ॿियूं सिंफू ऐं उनमें कम आंदल भाषा जे बारीकियुनि ते गुफ़्तगु कनि था, जीअं जुमला, शैली ऐं बनावट। जुदा जुदा साहित्यिक सिंफू पढ़ंदे उन्हनि जी जमालियत ऐं ग्रामरी उड़त ते गुफ़्तगु कनि था। हाणे सबक जे आख़िर जा कुझु सवाल आहिनि, तव्हांखे हवाला ॾिनल आहिनि, मां तव्हांखे हिननि जी टिपणी सम्झाई हुई त पाण ई लिखंदा। सख़्त विलह बरसाति में कंहिं राति सवड़नि मां उथी, ॾिस त ॿाहिरि ॿिए अझनि लाइ वैल छा थो वहे। ॿियो आहे जोग जप तप साधना फ़िकरात ऐं फाकिया कशी, राह उल्टीअ जी ख़ता जूं सौ सजाऊं थियूं सहण। ॿियो सवालु आहे बेवस सवड़नि मां उथण लाइ कंहिंखे आगाह कयो आहे। टियों सवालु बेअझन लाइ बेवस छा चयो आहे। ऐं चौथो सवालु मालिक किथे घुमंदो आहे। पंजो परमात्मा कहिड़ियुनि जॻहियुनि खां परे रहंदो आहे। छहों ॿार जे जनम खां अॻु परमात्मा छा तयारु कंदो आहे। सतो सवालु परमात्मा किथे घुमंदो आहे। अठो सवालु वैदत में कंहिंजे लाइ इश्क पैदा थियो ऐं छा कयो। त अॼु तव्हां पढ़ियो सामुंडी सिपो बेवस, त उमेदु आहे तव्हांखे सम्झ आयो हूंदो। तव्हां इन्हनि सवालनि जा जवाब पंहिंजे पाण ॻोल्हे लिखंदा। अॼु जे लाइ महिरबानी।